सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ ICICI बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे फॉरगेट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाते हैं, वहाँ पे वो इंटरनेट बैंकिंग वहाँ पे चालू नहीं कर पाते, उसको पासवर्ड मालूम नहीं रहेगा तो वो चालू क्या कर पाएगा। आज की इस वीडियो में पूरा जेन्युइन तरीका फ्रेंड्स बताने वाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आप ICICI बैंक का नेट बैंकिंग का पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से छोटे रिक्वेस्ट है, पसंद लाइक कीजिए, अगर चैनल नए चैनल कर दो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए आपको कोई सा भी गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना, कोई सा भी एक ब्राउजर। चलिए इसमें गूगल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। गूगल को यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे, यहाँ पे इसमें आपको देखिए टाइप करना, यहाँ पे आपको टाइप करना ICICI बैंक पासवर्ड जनरेट, आपको यहाँ पे लिख के आपको यहाँ पे सर्च कर देना। सर्च करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा, आपको यहाँ पे थोड़ा वेटिंग करना। देखिए जनरेट पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे यूजर आईडी का मिल जाएगा आपको। साइड में नीचे देखेंगे तो बहुत सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ देखिए इंटरनेट बैंकिंग फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद ये फिर से यहाँ पे आपको ये लोडिंग लेगा, आपको पेज में यहाँ पे पूरे तरीके से आपको ऑन देगा। यहाँ पे देखिए ये लोडिंग ले रहा है, देखिए आपको इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको फंडिंग यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर की साइड आपको ले जाएगा, यहाँ देखिए आपको टू ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, आई वॉन्ट माई यूज़र आई डी, आई वॉन्ट माई पासवर्ड। यहाँ पे मुझे अगर आपको पासवर्ड आपको फॉरगेट करना है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई वॉन्ट माई पासवर्ड। आपको यहाँ पे अगर पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं, आई वॉन्ट माई पासवर्ड को सिलेक्ट करें, जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड को सिलेक्ट करने वाला हूँ, फॉरगेट करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सेकंड में आई वॉन्ट माई पासवर्ड पर मैंने क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर से ये यहाँ पे आपको लोडिंग मिलेगा। आपको यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करना, आपको देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए देखिए जनरेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा ये आपको लोडिंग मिलेगा। लोडिंग लेने आपको देखिए आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है। यहाँ पे अगर आपका यूज़र आईडी डालेंगे तभी आप पासवर्ड यहाँ पे फॉरगेट कर पाएंगे। आपको पासवर्ड आपको यहाँ पे यूज़र आईडी ऑनलाइन भी आपको मैसेज मिल जाता है, नहीं तो आपको चेकबुक में आपको यूज़र आईडी वहाँ पे वो यूज़र आईडी आपको यहाँ पे फर्स्ट में डालना है, सेकंड में आपको मोबाइल नंबर डालना, आपको गो पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से ये दोनों डिटेल्स यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, OTP आपको डाल के यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट से मैं ये OTP यहाँ पे मैं डाल ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ गया। आप जो पासवर्ड यहाँ पे रखना चाहते हो वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फर्स्ट में डालना है, सेकंड में वही डालना है जो आप फर्स्ट में डालते। चलिए फटाफट से जो पासवर्ड मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग रखना चाहता हूँ लॉगिन पासवर्ड, वो पासवर्ड यहाँ पे मैं फिल कर ले रहा हूँ। चलिए यहाँ पे पासवर्ड मैं डाल देता हूँ जो रखना चाहता हूँ। कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, कुछ नाम से होना चाहिए, कोई ऐड देर होना चाहिए, कुछ नंबर से होना चाहिए, तीनों चीज़ मिलाकर पासवर्ड आपको बनाना है। शो कर गया, अगर पासपोर्ट आपका सही रहेगा तो ग्रीन टिक आपको यहाँ पे लंबा सका जाएगा, अगर पासपोर्ट आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर का पूरा लंबा आपको तीर यहाँ पे दिखा देगा। मेरा पासपोर्ट का कन्फर्म है, ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ पे पासपोर्ट सब कुछ मैंने डाल दिया, आप गो पे क्लिक कर रहे हैं। गो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे आपको आ गया योर हैव सक्सेसफुल जनरेट योर ICICI बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड। ये पासवर्ड मेरे यहाँ पे जनरेट सक्सेसफुल हो गया। आपके मोबाइल नंबर पे देखिए OTP आ जाएगा जो आपका पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे देखिए टू लॉगिन विथ योर नियर जनरेट पासवर्ड, आपको साइड में लॉगिन न्यू का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको वहाँ पे होम पेज भी ले जाएगा, आप यहाँ पे आप अपने इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन कर पाएंगे, वहाँ पे आपको शो कर दिया जाएगा। देखिए आपको देखिए यूज़र आईडी आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना। चलिए यहाँ पे यूज़र आईडी फटाफट से मैं यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। यूज़र आईडी डालना, पासवर्ड डालना, आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। चलिए दोनों डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे पासवर्ड डाला, देखिए यहाँ पे मेरा इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका। देखिए पूरा ऑप्शन यहाँ पे आपको पूरे टोटल तरीके से जितने भी ICICI बैंक के इतनी भी सर्विसेज हैं सारी सर्विसेज ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड आपको कराती है। देखिए यहाँ पे आपको जितना बैलेंस आपके खाते में रहेगा वो बैलेंस आपको यहाँ पे टोटल शो कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके टोटल मेरे अकाउंट में अभी बैलेंस यहाँ पे 38 रुपीज़ यहाँ पे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जितना था फंडिंग इसके बैंक से जितनी सर्विस प्रोवाइड करती है सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा नाम आपका जो है कस्टमर के नाम से ये खाता वो आपको यहाँ पे शो करा दिया जाएगा। पूरी डिटेल्स यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग के कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा डेबिट कार्ड यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पे आप व्यू बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पे ओपन, ये सब सारी चीज़ यहाँ पे आप ICICI बैंक की सर्विसेज सारी आप ले सकते हैं। मैंने आपको देखा ICICI बैंक का नेट बैंकिंग पासवर्ड किस तरह से फॉरगेट करा, किस तरह से मैंने आपको जनरेट करके देखा, इसी वीडियो में आप लोगों ने पूरा जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें आप नीचे पूछ सकते हैं।